नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट चंद्रकिरण मिश्रा। ग्रामीणों ने टीएमसी की गठी युक्त मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग। दो वर्ष पूर्व ही लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई थी इस मार्ग की मरम्मत। सड़क के दोनों तरफ जल निकासी न होने से मार्ग की हो रही है दुर्दशा। मामला कछवाना हरदोई का, जहां बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन मार्ग से कुकुही गाजू टिकारी होते हुए बेरीगंज नैमिषारण्य को जाने वाले मार्ग पर बालामऊ जंक्शन मुख्य रेलवे क्रॉसिंग से गाजू तिराहा होते हुए लाला हरिराम भारती इंटर कॉलेज तक मार्ग अत्यंत जर्जर व गड्ढो युक्त हो गया है। दो वर्ष पूर्व अक्टूबर 2023 में ही इस मार्ग की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई गई थी। एक वर्ष भी नहीं बीता कि मार्ग पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच गया है। सड़क की दोनों तरफ जल निकासी न होना भी सड़क की दुर्दशा का कारण बना हुआ है। सड़क के किनारे निवास करने वाले लोग अपने घरों में लगे समर्सिबल पंप से अंधाधुंध पानी को सड़कों पर बहाता है और ऐसे में लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि यही लोग मार्ग बेनीगंज होते हुए पवित्र धाम नैमिषारण्य व मिश्रिक संडीला व हरदोई को जाता है। कुकुही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि निर्भय राजवंशी की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित पत्र प्रेषित कर शीघ्र ही इस मार्ग की दोनों तरफ जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर जर्जर एवं गड्ढे युक्त मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग की है। सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी।